नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब? आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे डार्क सर्कल्स की, जो आंखों के चारों तरफ हमारे डार्क सर्कल हो जाते हैं, इनको कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले अगर आप ये जान लोगे कि बाहर से आप कितने भी लीपापोती कर लो, कोई क्रीम लगा लो, कोई ऑयल लगा लो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। आपको लगेगा कि महीनों बीत गए, हफ्तों बीत गए, हम ये रेमेडी किए जा रहे हैं तो हमें असर क्यों नहीं हो रहा। तो अगर आप बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी आंखों पे डार्क सर्कल आ गए हैं, उनको अगर आप दूर कर लोगे तो चाहे आप आंखों के आसपास कुछ ना भी लगाओ, तभी भी आपके डार्क सर्कल चले जाएंगे। और मैं लगाने के लिए भी बताऊंगी, लगा लोगे तो थोड़ा जल्दी ठीक होंगे, लेकिन आपका जो पूरा फोकस है वो पहले अपने अंदर उस कमी को दूर करना है जिसकी वजह से डार्क सर्कल आपके फेस के ऊपर आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये जान लो, जो डार्क सर्कल है उनके आने का रीजन होता है हमारी बॉडी के अंदर वात बढ़ना। वात, पित्त और कफ, ये तीन बेसिक हमारी बॉडी के कंपोनेंट हैं, जिनके एक स्पेशल कॉम्बिनेशन से हमारे पांचों तत्व बनते हैं। ज्यादा गहराई में नहीं जाते, ये समझ लो कि आपकी बॉडी में वात बढ़ा हुआ है। वात बढ़ने के क्या रीजन होते हैं? आज की डेट में सबसे बड़ा रीजन है कि टाइम से ना सोना। आप चाहे कितने भी घंटों सो लें, कि आप बहुत लेट नाइट सो रहे हैं और दिन में आप सोचते हैं कि लेट उठेंगे तो हमारे 8-9 घंटे की नींद की पूर्ति हो जाएगी, नहीं। ये एक समय होता है, जैसे अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम है वो है कफ पीरियड, दोपहर को होता है पित्त का पीरियड, और इवनिंग एंड हाफ नाइट जो होती है वो होती है वात की। अगर आप वात के पीरियड में जगे हुए हैं तो आपकी बॉडी के अंदर वात बढ़ेगा ही। तो आप टाइम से सोएं और टाइम से फिर अपने आप ही आंख खुल जाएगी। जो आपको करना है वो मॉर्निंग में उठ के कर लो। तो एक तो नींद आपको प्रॉपर लेनी है, दूसरा रूखी सूखी और हमेशा ठंडी चीजें, फ्रिज से आए निकाले ठंडी ठंडी पानी की बॉटल पी ली, बर्फ दबा दब डाल के पानी में पिए जा रहे हैं, या कोल्ड ड्रिंक में या किसी और चीज में, और खाना ठंडा निकाला और खा लिया, ऐसे ठंडी चीजों से हमारी बॉडी के अंदर वात बढ़ता है। रूखी सूखी चीजों से, यानी कि जिसमें ऑयल वगैरह हम कम डालते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, हमारी बॉडी के अंदर जो ऑयल्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब हमारी यंग एज होती है तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे फेस पे ऑयल आया रहता है, खासकर टी जोन पे तो आया रहता है। मैं किसी दिन उठती हूँ तो मेरा पूरा चेहरा ऐसे ऑयल ऐसे निकला रहता है जैसे मैं रात को लगा के सोई हूँ, लेकिन ये मेरी बॉडी के अंदर से ही निकलता है। ये मेरी बॉडी की हेल्थ को बताता है कि अगर मेरी बॉडी में अभी, मैं 49 की हो गई हूँ 7 अगस्त को, तो अगर मेरे फेस पे अभी भी मॉर्निंग में मैं देखती हूँ कि ऑयल आ रहा है, इसका मतलब है कि मेरी जो हेल्थ है इंटरनली वो इतनी अच्छी है कि जो जैसे यंग एज में हमारे फेस पे ऑयल आता है वैसे ही आ रहा है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो ऑयल है, नेचुरल ऑयल, वो आपको मेंटेन रखना है। लोग आजकल क्या करते हैं, हार्ड डाइटिंग करते हैं, या अपने भोजन में बिल्कुल ऑयल नहीं डालते या घी का यूज नहीं करते, वो धीरे 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 उनकी बॉडी के अंदर वात बढ़ जाता है। तो आपको देसी घी जरूर खाना चाहिए। लोगों को लगता है कि घी खाने से मोटे हो जाते हैं, ये मिथ है। मैं अपने परिवार में इतना ज्यादा घी यूज करती हूँ कि 10 दिन में 1 किलो घी नहीं लगा तो कुछ नहीं लगा। बहुत हमारे घर में घी का कंजम्पशन है, देसी घी का। ऑयल भी फुल यूज करते हैं क्योंकि यही है जिससे हमारी बॉडी बहुत अच्छे से वर्क कर पाती है और बहुत लंबे टाइम तक यंग रहती है और हमारी स्किन हेल्दी और ब्यूटीफुल रहती है। क्या हुआ? तो आपको अपने भोजन के अंदर देसी घी काफी बढ़ा देना चाहिए। जैसे हम लोगों की तरफ खाने में क्या होता था, जैसे हर सब्जी जो भी खाई जाती है उसके ऊपर से घी जरूर डाल के खाते हैं, तो ऐसे ही मैं अपने बच्चों को भी देती हूँ, मेरी फैमिली में सब ऐसे ही खाते हैं। तो अब मैं फटाफट से फिर से आपको बता देती हूँ, प्रॉपर नींद लेनी है,
ठंडी रूखी सूखी चीजों से दूर रहना है। अपने खाने में घी एंड ऑयल का जरूर इस्तेमाल करना है, रिफाइंड ऑयल बिल्कुल नहीं लेना, और जो घी है वो भी आपको अच्छा लेना है, देख लेना कि गाय या भैंस का अगर घी मिले तो बहुत अच्छा है। और आपको कभी भी डाइटिंग पे नहीं आना है, अगर आपको अपना वजन कम करना है, मैंने वीडियो बनाई हुई है वेट कम करने के लिए भी, कितना इजीली हमारा वेट मेंटेन होता है और कम हो जाता है। चौथा जो आपको काम करना है, आपको नहाने के जस्ट बाद और रात को सोने से पहले अपनी नाभि, अपनी नाक के दोनों छेद में और ये जो आपका टॉप ऑफ द हेड है यहाँ पे घी या तेल लगाना है। तेल आप सरसों का लगा सकते हैं या नारियल का लगा सकते हैं, सरसों का बेस्ट रहेगा। सरसों का आप लगाना दोनों टाइम, सोने से एकदम पहले और नहाने के जस्ट बाद। और सबसे लास्ट, अपनी आंखों के चारों तरफ अगर आप बादाम रोगन, बादाम का तेल कई कंपनीज का मिलता है बादाम रोगन, तो वो ले लेना, रात को सोने से पहले अपनी आंखों पे इस तरह से लगा के सो जाना। लगाने के बाद मसलना नहीं आंखों को, हल्का सा ऐसे लगाओ और थोड़ी देर ऐसे टैपिंग करो, 3-4 मिनट टैपिंग करके और सो जाओ। ये सारी चीजें जब आप करेंगे तो आपके डार्क सर्कल बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और आगे भी डार्क सर्कल फिर कभी आएंगे नहीं आपको। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो स्किन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। स्किन की जो क्वालिटी है वो बॉडी के अंदर वात बढ़ने से ही खराब होती है। जैसे जैसे वात डाउन होता है एंड कफ हमारा ऊपर आता है, यानी कि चीजें बैलेंस होती है, कफ की तरफ को जैसे जैसे आता है हमारा शरीर, हमारी स्किन स्मूथ होती है, चिकनी होती है, चमक आती है इसके ऊपर और गोरापन की झलक भी आती है। अभी मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाजत, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, बाय।